श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज का इस एपिसोड के अंदर हम आपके जो पूछे गए सवाल है कमेंट के माध्यम के द्वारा, जैसे आप कोई भी हमारी वीडियो देख के कोई कमेंट करते हो, उस कमेंट के हम आपको किस तरह से आंसर देते हैं, उसके लिए हमारी एक पहल है समस्या आपकी समाधान वास्तु का, यानी वास्तु से आपकी कोई भी समस्या का समाधान हो सकता है। समस्या यानी ऐसा नहीं है कि आपके जीवन की कोई समस्या हो, आपके पूछे गए सवाल एक आपके लिए तो समस्या ही है ना, क्योंकि जब तक आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा तो वो एक समस्या का स्वरूप लेगा। तो आप हमारे लगातार कॉमेंट करते रहते हैं तो हम भी यहाँ पर एपिसोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे एपिसोड पहले चॉइस कर रहे हैं जो सर्व यानी जो कॉमन हो। फिर किसी का वी दिशा का प्लॉट है, किसी का ये सेप्टी टैंक है, वो सब वन बाय वन सब एपिसोड आने वाले हैं। तो आप अगर जुड़े रहेंगे तो कभी ना कभी आपके पूछे गए सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे एक व्यूअर्स ने ऐसा पूछा है कि हमारे घर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर या फिर मेरी ऑफिस के अंदर मेरे को शूज रैक कहाँ पे रखनी है। शूज रैक यानी हम जिस पे जब भी ऑफिस के अंदर एंटर होते हैं, घर के अंदर आते हैं या फिर हमारी फैक्ट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे कहीं पे हमारे द्वार के आसपास एक स्टैंड होता है। उस स्टैंड में हम हमारे जूते चंपल उतारते हैं, तो ये जूते चंपल वहाँ पे पड़े रहते हैं। अगर वो एंट्रेंस वास्तु के हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव है और वहाँ पे जूते चंपल पड़े रहेंगे तो आप भी सोच सकते हो कितनी नेगेटिविटी है। अगर कोई आपके खाने के टाइम पे वहाँ पे गंदगी करेंगे तो कैसा लगेगा आपको? आप अगर बैठे आपकी ऑफिस में वहाँ पे गंदगी होगी तो आप कितने इरिटेट हो जाते हो, तो इस तरह से एनर्जी भी इरिटेट होती है। तो उनके जो सवाल है उसका यहाँ हम जवाब देंगे। तो वो जवाब देने के लिए हम सबसे पहले आपको यहाँ पे, यही हमारा आज का टॉपिक है, शूज रैक कहाँ पे रखें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आपको इस शक्ति चक्र के माध्यम से ये एक छोटा सा शूज रैक दिखा रहे हैं तो आपको समझाना बहुत ही सरल रहेगा। और अगर कहीं आपके वास्तु के अंदर हम जो दिशा बता रहे हैं उस दिशा के अलावा और कोई दिशा में अगर आपका शूज रैक है तो वहाँ की जो गुणधर्म है, एट्रीब्यूट्स है, वो आपको वहाँ पे बहुत ही नेगेटिविटी इफेक्ट देगी। यानी धन लाभ की जगह पे आप शूज रैक उतार देंगे तो वो बहुत ही नेगेटिविटी आपको मिलेगी। तो अब सबसे पहले आपकी ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, चाहे वो व्यूअर्स ने पूछा गया सवाल है कि मेरे घर पे मेरे को शूज रैक की बेस्ट प्लेसमेंट एज पर वास्तु कैसे हो, तो आपको शूज रखने के लिए तीन ऐसे ऑप्शन में दिखा रहा हूँ इस वास्तु की ग्रिड के माध्यम के द्वारा। सबसे पहले ऑप्शन है SSW, एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल, यहाँ पे ये शूज रैक आप रख सकते हो। सेकंड ऑप्शन है WNW, डिप्रेशन डिटॉक्सीफाई, यहाँ पे भी आप अपनी शूज रैक उतार सकते हो। तीसरी है एनजाइटी चर्निंग ESC, यहाँ पे भी आप शूज रैक यहाँ पे रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे द्वार होगा तो ना, समझो अगर आपका नॉर्थ का द्वार है और आपको शूज रैक रखनी है तो एक सवाल बन रहा है। उस क्लाइंट का जो द्वार है, उस व्यूअर्स का जो द्वार है, वो नॉर्थ का द्वार है, इसलिए उन्होंने ये समस्या से भरा हुआ सवाल पूछा है। कि हमने बहुत सारी वीडियो देखी है, आपने जो दिशा दिखा रहे वही है उनके सवाल में लिखा हुआ है, मेरे को पता है, बट मेरा नॉर्थ है तो मैं कहाँ पे रखूँगा? तो यहाँ पे एक आपको बता देता हूँ, अगर आपके नॉर्थ की, ईस्ट की, यानी ये जो तीन जोन हमने बताए उस जोन के सिवा और कहीं एंट्री हो अगल बगल वाली, जैसे यहाँ पे आपको समझाते हैं कि आपकी अगर साउथ की एंट्री होगी ना तो आप SSW में शूज रैक बनाएंगे, साउथ वेस्ट की एंट्री होगी तो SSW में शूज रैक रख पाएंगे। अगर आपकी SSC की है और यहाँ पे इतनी दूर शूज रैक रखना एक सवाल बन जाएगा। तो जहाँ हमने बताया है बेस्ट प्लेस एज पर वास्तु शूज रैक कहाँ रखनी है, अगर उससे विपरीत दिशा में आपका एंट्री है, समझिए कि नॉर्थ की एंट्री है, तो अब शूज रैक के अंदर भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि हमारे वहाँ पे जो मेहमान आ रहे हैं वो क्या चंद घंटे के लिए आएंगे या चंद दिनों के लिए आएंगे, तो जब भी उनकी जो शूज रैक यानी शूज है तो आप नॉर्थ में शूज रैक रख के वहाँ पे उनको प्लेसमेंट करवा सकते हैं। या फिर खुद आप टेम्पररी, यानी आप सुबह आए, सुबह घर से गए, रात को आए, रात को रख दिया, वापस सुबह चले गए, तो जो आपकी रूटीन शूज है, यानी शूज रैक में क्या क्या होता है, अगर घर के सदस्य 10 है तो उनकी जो रूटीन है, यानी एक सदस्य
दो ही शूज पहनेगा तो वहां पे 10 जोड़ी होनी चाहिए। पर हम क्या करते हैं कि हमारे दिन में पहनने के अलग, रात में पहनने के अलग, घर में पहनने के अलग, संडे को पहनने के लिए, मंडे के लिए अलग, पार्टी के लिए अलग, जॉगिंग के लिए अलग, बिजनेस के लिए अलग, और मैरिज में जाने के लिए अलग। हर तरह के फंक्शन के लिए हमारे हर तरह के शूज अलग अलग होते हैं। अगर आपके नॉर्थ की एंट्री है तो इतने सारे शूज, अगर एक बंदे के 5 शूज भी हम गिनेंगे, एवरेज 5 बंदे उस घर में रह रहे हैं तो 3 की एवरेज से 15 जोड़ी हुए, तो 15 जोड़ी वहाँ पे ज़्यादा यूज में नहीं आने वाले शूज है वो नॉर्थ में नहीं रख सकते, क्योंकि वास्तु यहाँ कह रहा है आप चल एक चीज वहाँ पे रख रहे हो, वापिस हटा दे रहे हो, वापिस रख रहे हो, तो कोई ऐसी दिशा में रखोगे तो चलेगा, बट आप उधर परमानेंट रख रहे हो और वो दिशा वास्तु के हिसाब से नहीं है, रखने के लिए नहीं है, तो वो आपको दोष मिलेगा। तो कहने का भाव अर्थ है आपका रूटिंग शूज है जो आप रोज पहनते हैं और वो सब अगर आपकी नॉर्थ की एंट्री है तो आप वहाँ पे रख सकते हो। तो इसको मैं बहुत ही इजी तरह से बता रहा हूँ, समझो कि ये शूज रैक है, ये शूज रैक आप नॉर्थ में रख सकते हो, अगर नॉर्थ की एंट्री है तो उसके अगल बगल NNW में भी रख सकते हो, NW में भी रख सकते हो, WNW में तो रखना है ओके है, वहां पे तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर आप शूज रैक NNW में रखने का नौबत आ रही है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले तो एक्स्ट्रा शूज यहाँ से हटा देने हैं, रूटिंग शूज रखने हैं, और अगर वहां पे शूज रख रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ब्लू कलर या फिर ग्रीन कलर ऐसी कोई मैट लेके आए और इस शूज रैक के नीचे रख दे, यानी जो एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है ना वो एनर्जी यहां से डिसकनेक्ट हो जाएगी, नेगेटिविटी ओके। ये हो गया नॉर्थ के, नॉर्थ का द्वार है तो उसके अगल बगल रखना, नॉर्थ ईस्ट में तो शूज रखना ही नहीं है, यहां पे तो आप भूल ही जाना, एनी में भी नहीं रखना और नॉर्थ में भी नहीं रखना। ये एक ऑप्शन दे रहा हूं, रख सकते हो, और बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट डायरेक्शन फिर से रिपीट करके दिखा रहा हूं, सबसे बढ़िया डायरेक्शन शूज रैक रखने की कौन सी है, तो वो यहाँ पे आप एक तो WNW इज द बेस्ट चॉइस, सेकंड चॉइस है आपके लिए SSW, यानी ये फर्स्ट चॉइस, सेकंड WNW एंड थर्ड चॉइस है ESE, तो ये इस ESE पे भी आप शूज रैक रख सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारी बात हो चुकी है कि नॉर्थ की एंट्री हो तो किस तरह से रखेंगे, किस तरह से उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ये सब कुछ हमने आपको बता दिया है। बट अब यहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कि आपकी पूर्व दिशा की एंट्री है तो वहाँ पे आपको किस तरह से शूज रैक को रखना है। तो यहाँ पे आपकी पूर्व की एंट्री हो गई तो आप बाई चांस शूज को या ENE में भी रखने की नौबत आ सकती है, वहां नहीं रख पा रहे ESE में भी रख सकते जो बेस्ट ही है, SE में भी अगर रखने की नौबत आ रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे क्या क्या रेमेडी हो सकती है, तो सबसे पहले तो यहां पे रूटिंग शूज रखना है कि आपको रोज पहन रहे हो, यानी 3 बंदे हैं तो उनके 3 पैर, 10 बंदे हैं तो उनके 10 पैर जो परमानेंट नहीं रहेंगे। अब ENE में आपको रखने की नौबत आ रही है तो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर लेना है, ग्रीन कलर की एक मैट मार्केट से लेके आनी है और वो यहाँ पे लगा देनी है ओके। ये आपकी होगी सॉल्यूशन, ग्रीन कलर की मैट पे आप शूज रैक रख देंगे, ENE में रखने की नौबत आ रही है, ईस्ट डायरेक्शन से आप अंदर आ रहे हो तो ये आपके लिए एक सहूलियत हो रही है, एक रास्ता हो रहा है। बाकी अगेंस्ट शूज रैक वास्तु के हिसाब से SSW कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है, WNW कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है, ESE कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है। बाकी कोई भी जोन में है, कौन से जोन में नहीं रखना, तो यहाँ पे नॉर्थ में नहीं रखना, NNE में नहीं रखना, NE में नहीं रखना, बाकी कहीं रख सकते हैं, और हो सके तो साउथ वेस्ट यहाँ पे भी मत रखो। ये 4 जोन में तो मैं मना ही कर रहा हूँ, कहीं पे रख सकते हो, वहाँ पे क्या रेमेडी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमारी बात आ रही है कि अब नेक्स्ट हमें ESE में रखने की
साउथ ईस्ट में रखने की नौबत आ रही है, तो ये भी धन का कौन है, कैश लिक्विडिटी है, पर यहाँ पे उपाय के तौर पे वापस यहाँ पे आप एक रेड मैट लेके आइए, एनर्जी को डिसकनेक्ट कर दीजिए, यहाँ के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये एनर्जी, ये कलर यहाँ यूज कर सकते हो। तो ये कलर की फ्रिक्वेंसी की क्या महिमा है, इसका एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर कोई ट्रेन है, उस ट्रेन को रोकनी है तो हम ग्रीन सिग्नल देंगे या रेड सिग्नल देंगे। कानून कह रहा है, रूल कह रहा है, किसी भी ट्रेन को रोकने के लिए रेड सिग्नल चाहिए, पर अगर हमने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो ये कलर की फ्रीक्वेंसी देखिए कि क्या हो सकता है। यानी कलर की फ्रीक्वेंसी कभी पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है और कभी नेगेटिव रिजल्ट दे सकती है। तो कलर के अंदर बहुत ही शक्ति है, बहुत ही ऊर्जा है, बहुत ही पॉजिटिविटी फ्रीक्वेंसी है। आपको हम कलर की टेप, कलर के माध्यम दिखा रहे हैं, तो ये ऐसा मत समझिए कि खाली दो बोल शब्द के हैं, इसके अंदर बहुत ही पॉजिटिविटी है। आप एक बार आपके घर के अंदर जो सूज रैक है, घर की एक ग्रिड बना लीजिए, घर के 9 भाग कर लीजिए, 16 भाग कर लीजिए, घर के 9 भाग 16 भाग करके पर्टिकुलर दिशा ढूंढ लीजिए और बाकी दिशा इसकी फोटोकॉपी लेके दिशा बना लीजिए। बहुत ही इजी है, मार्केट में डी मिलता है, आपके जो कंपास होते हैं ना बच्चों की पढ़ाई के कंपास स्टेशनरी, उसमें डी आते हैं, 2 डी को इकट्ठा करेंगे तो 360 का सर्कल बनेगा। वो ड्रॉ करके अगर आप कुछ भी ड्राइंग के स्पेशलिस्ट है या आप इंजीनियर के लेवल से पढ़ रहे हो या आपके घर में जो स्टूडेंट्स है, तो ये ग्रिड घर पर बना सकते हैं। तो आप इस ग्रिड के हिसाब से आप अपने घर के अंदर जो भी कुछ चेंज कर सकते हो और किस तरह से सूज रैक रखनी है यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको, और कौन सा दोष लग रहा है उसको किस तरह से रिमूव करना है, कौन से दिशा में रखनी है, कौन से दिशा में नहीं रखनी, और वो उन दिशा में रखने की नौबत आ रही है, तो यहाँ पे ब्लू कलर की मैट, यहाँ पे ग्रीन कलर की मैट, यहाँ पे येलो कलर की मैट, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। बेस्ट पोजिशन, एवरेज पोजिशन, किसने सूज किस तरह से अच्छी तरह देखेंगे तो समझ जाएंगे सूज रैक रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर वो रूटिंग सूज होना चाहिए। सब सूज एक जगह मत रखिए। आपकी नॉर्थ की एंट्री है तो आप यहाँ पे रूटिंग सूज के लिए मैंने जगह दिखा दी। अब आपके पास ज़्यादा सूज है तो उसको क्या करेंगे, तो उसको वो ज़्यादा सूज को तुरंत हम कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, चाहे वो हमारा कबाड़, हमारा कोई वार्डरोब हो जहाँ पे हम कपड़े भी रख रहे हैं, तो वहां पे जाके SSW में रख दीजिए एक्स्ट्रा सूज, आपकी प्रॉब्लम सोल्व। तो इस तरह से आपकी हर तरह के प्रॉब्लम्स का समाधान हमारे इस एपिसोड के माध्यम से आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई चीज़ यहाँ आप नहीं समझ सकते तो हमारे फ़ोन, हमारे मोबाइल पे फ़ोन कीजिए, मैसेज, वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए। फ़ोन अगर हम नहीं उठा पा रहे तो वॉइस मैसेज आप छोड़िए, उसका जवाब आपको मिल जाएगा, देर सवेर जवाब 100% मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर